प्लेटफॉर्म पर और आज हमारी क्वेश्चन सीरीज का तीसरा लेक्चर है, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, है ना। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आयोग है वो हमसे डेट पूछ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी आयोग के गठन की, मध्य प्रदेश के गठन की, अन्य कोई महत्वपूर्ण जो घटना होती है इतिहास में या उसकी जो डेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो इस क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, और 15 अप्रैल को सबसे पहले इन्होंने जो निर्वाचन है उसकी अधिसूचना जारी कर दी थी 15 अप्रैल को। अब आप जानते हैं कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इस 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 9 जोड़ा गया या 9 भाग जोड़ा गया जिसका संबंध नगर पालिकाओं के चुनाव से था, और चूंकि नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो जब ये 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने इस कानून को लागू किया, इस अधिनियम को लागू किया, और उसके तहत 1 फरवरी 1994 को जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया, ठीक है। अब आपको राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। पंचायती राज के प्रावधान लागू करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। इस आयोग ने 15 अप्रैल, देखिए 15 अप्रैल 1994 को अपनी पहली चुनाव की अधिसूचना संबंधी अधिसूचना जारी की थी, ठीक है। अब अपने को और क्या याद करना चाहिए इसके साथ में कि भैया हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो हमें पता होना चाहिए एन बी लोहानी जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। वर्तमान कौन है, वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आयोग और एमपी दोनों से रिलेट करता है, तो वर्तमान में कौन है, बसंत प्रताप सिंह, कौन है, बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा और अगर देखें तो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था, उसी में 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। इतिहास से क्वेश्चन उठाया उन्होंने कि राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का नाम क्या था, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हैं तो उनमें कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें आपको कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो है उनके इतिहास में उनका जो नाम था या उन्हें किस नाम से जाना जाता था। इसमें अगर बात करें हम तानसेन हुए या बीरबल हुए, इनके भी मूल नाम जो है वो पूछे जाते हैं, कभी कभी स्वामी विवेकानंद का नाम या महात्मा बुद्ध के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो चूँकि एमपी के संदर्भ में है इसलिए इन्होंने एमपी के राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम, तो उनका वास्तविक नाम था नंदराम दास, ठीक है। इनका नाम क्या था, नंदराम दास। अब थोड़ी सी आप बाल कवि बैरागी के बारे में जानेंगे। बाल कवि बैरागी जी हिंदी कवि और एक प्रसिद्ध लेखक थे, वे राजनीति व साहित्य दोनों से जुड़े रहे। बाल कवि बैरागी जी का जन्म 10 फरवरी 1931 को मंदसौर की मनासा तहसील में के रामपुर गांव में हुआ था। उनके जन्म का नाम नंदराम दास था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से उठकर आ गया है, इनका था नाम क्या, नंदराम दास बैरागी, ठीक है। बैरागी जी को 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश के मंत्री रहे, 1984 से 1990 तक वो लोकसभा के सदस्य भी रहे और इसके बाद वे राज्यसभा के सदस्य बने, ठीक है। इस कारण ये जो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए, चूंकि एक तो राष्ट्रीय स्तर पर कवि और साहित्यकार थे, इसके साथ ही राजनीतिक व्यक्ति भी थे, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए विन आईएएस के द्वारा नया कोर्स लॉन्च किया गया है, तो इस संदर्भ में ये जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा, ठीक है। 7 सागर 84 नारायण और 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर से संपन्न होती है, ठीक है। आपको इन नगर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि अमरकंटक क्यों प्रसिद्ध है, चित्रकूट क्यों प्रसिद्ध है, ओंकारेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है। जब आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि अमरकंटक हमारा जो है तीर्थस्थल सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, कि यहाँ से माता नर्मदा जी का उद्गम होता है ना, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, इस कारण से ये तीर्थस्थल प्रसिद्ध है। चित्रकूट में क्या है, तो ये भगवान राम के जन्म से संबंध, भगवान राम की जो वनवास था उससे संबंधित है। इसके अलावा यहाँ तुलसी संग्रहालय वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। ओंकारेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो जो भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये खंडवा जिले ओंकारेश्वर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो प्रसिद्ध नर्मदा नदी पर बांध है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा आंसर आता है उज्जैन। उज्जैन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन भी है और जगह भी है। उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है, तो उज्जैन में एक तो दक्षिणमुखी महाकाल मंदिर स्थित है,
एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग जिसको बोलते हैं, है ना। 12 शिवलिंग में से 2 मध्य प्रदेश में हैं, उनमें से एक तो ओंकारेश्वर या ममलेश्वर हो गए, दूसरे जो हैं उज्जैन में हैं दक्षिणमुखी महाकाल, जिसको महाकालेश्वर या महाकाल बोलते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव, है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं इसमें कि भाई 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किसी एक नगर में संपन्न हो रही है ना। तो अगर अपन इतिहास में महत्व देखें तो एक उज्जैन ही एक ऐसा नगर है जिसके बारे में जितनी भी धार्मिक चीज़ें हैं या जितनी भी पवित्रता वाली चीज़ें हैं सब उज्जैन में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसका कारण बताते हैं कि ज़्यादा जो विक्रमादित्य थे वो बताते हैं कि 1.25 किलो चावल या 2 किलो चावल जब एक एक दाना रखते थे तो वहाँ पर इतने भगवान हैं कि एक एक दाना उनको रखना पड़ता था, जब जाके 2 किलो या 1.25 किलो चावल जो है उनके खप जाते थे। तो उस हिसाब से देखे जाए तो वहाँ जितने भी देवी देवता माने गए, 33 करोड़ जो देवी देवता माने गए हैं, वो 33 करोड़ देवी देवता उज्जैन में उपस्थित हैं या उज्जैन में हैं। तो 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा हमारे एक शहर में कंप्लीट हो सकती है, उसको बोलते हैं उज्जैन, ठीक है। आप उज्जैन के बारे में आपको और भी बेसिक जानकारियाँ होना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, उज्जैन में उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। 9 नारायण, 84 महादेव, 7 सागर, 8 महाभैरव का मंदिर भी है, 6 विनायक आदि के कारण अधिक मास में विशेष महत्व होता है। इन सब के साथ ही 9 नारायण, 8 महादेव और 7 सागरों की यात्रा का खास महत्व माना जाता है। उज्जैन के 7 सागर, रुद्र सागर, पुष्कर सागर, क्षीर सागर, गोवर्धन सागर, रत्न सागर, विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर, ये 7 सागर हैं। और 9 नारायण भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से, जो 10 अवतार हैं उनमें से 9 नारायणों के स्वरूप में हैं। ये 9 नारायण स्वरूप एक तो लीला पुरुषोत्तम नारायण, सत्यनारायण, अनंत नारायण, चतुर्भुज नारायण, अजीत नारायण, शेष नारायण, पद्म नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण उज्जैन में ही विराजित हैं, है ना। तो इस तरह से जो बोला जाता है कि भैया 7 सागर और 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा यहाँ पर होती है। शिप्रा नदी के किनारे हैं दक्षिणमुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो यहाँ पर स्थित है, काल भैरव का मंदिर स्थित है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो कुंभ का मेला एकमात्र मध्य प्रदेश में लगता है तो वो उज्जैन में लगता है, ठीक है। पिछला जो कुंभ का मेला आयोजित हुआ था वो 2016 में हुआ था, 12 साल बाद आयोजन होता है, मतलब नेक्स्ट 2028 में होने वाला है, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ होती है जो उज्जैन के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा उज्जैन के जो बाटिक प्रिंट है उसको वर्तमान में फेमस किया जा रहा है या फिर इसको GI टेक में जो है शामिल किया गया है, तो उज्जैन को हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रख के पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था, ठीक है। अब राजा भोज कौन थे, तो परमार वंश के शासक थे, जो धार था या धारा नगरी जिसका प्राचीन नाम जो धारा था, धारा नगरी वो इनकी राजधानी रही थी। महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, इनको राजकवि की उपाधि भी मिली थी, राजकवि या कविराज की उपाधि जो है इनके पास थी। क्योंकि साहित्य कला में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है या फिर उनकी रुचि रही है, तो इनके जो दरबार में थे इन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों, रचनाकारों और जो कलाकार थे उनको संरक्षण दिया हुआ था। इसके साथ ही बहुत सारे जो धार्मिक व्यक्ति थे या प्रबुद्ध व्यक्ति थे वो इनके दरबार में थे, ये खुद भी प्रबुद्ध थे, इन्होंने भी बहुत सारी जो रचनाएँ हैं वो की थी, जैसे सरस्वती कंठावरण और सिद्धांत संग्रह। तो इस तरह की इनकी जो है किताबें थी, ये खुद भी प्रबुद्ध व्यक्ति थे। इसके अलावा इन्होंने भोज नगर या भोजपुर का भोज शहर बसाया था जिसको भोजपुर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा धार में ही एक भोजशाला का निर्माण करवाया था, वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, ठीक है। थोड़ा सा विवादित रहता है वाघ देवी की, वर्तमान में एक घटना अभी हुई थी कि वहाँ पर वाघ देवी की प्रतिमा से कुछ छेड़छाड़ की गई थी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, इस कारण से ये चीज़ें चर्चा में रहती हैं ना। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन सकते हैं, तो हमें राजा भोज के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो राजा भोज के एक दरबारी व्यक्ति थे, उनका नाम था धनपाल। कौन थे? धनपाल। उन्होंने कौन सा जैन धर्म अपना लिया था? तो जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति जो हैं इनके दरबार में धनपाल व्यक्ति थे, ठीक है। देखेंगे हम, राजा भोज परमार वंश या पवार वंश के नवे राजा थे, बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक, ज्योतिषी थे। उनके सभा में बड़े बड़े पंडितों से सुशोभित रहती थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े विद्वानों का जो था संरक्षण किया था। उनके दरबार में एक विद्वान थे कवि धनपाल,
कवि धनपाल एक विद्वान भी थे उनके दरबार में। स्वयंभू तथा पुष्पदत्त की भांति अपभ्रंश के कवियों में धनपाल का नाम आदर के साथ लिया जाता है। तो महत्वपूर्ण कवि थे वो, अपभ्रंश जैसी भाषाओं में उन्होंने लिखा था। धनपाल धनक्कड़ वंशी दिगंबर जैन थे, इनकी भाषा बोलचाल के अपभ्रंश के नहीं पड़ती थी ना। तो ये धनक्कड़ वंशी थे और दिगंबर जैन, ठीक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित ये व्यक्ति थे। कौन थे? कवि धनपाल। अधिक निकट मानी जाती है इनकी रचना भविष्यत कहा, भविष्य दत्त कथा 22 संधियों का काव्य है, जिसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति की पुत्र भविष्य दत्त की लौकिक कथा है ना, एक लौकिक कथा है ये। धनपाल राजा जो थे इनके बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है। अब अगर राजा भोज से संबंधित तो और देखें हम कुछ चीज, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने मंदिर बनवाया था, त्रिभुवन मंदिर, एक त्रिभुवन मंदिर है जिसका निर्माण करवाया था। हो सकता है नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन आ भी जाए, ये चित्तौड़गढ़ में करवाया था, है ना। तो राजा ये थे धार के या अपने मालवा के शासक थे, लेकिन इन्होंने चित्तौड़गढ़ में ये इसका निर्माण करवाया था, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अपना त्रिभुवन मंदिर आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा इसके इनके और दो रचनाएँ देखें तो एक तो विद्या विनोद और सिद्धांत संग्रह, ऐसे करके इनकी रचनाएँ हैं, तो वो भी याद होना चाहिए। सरस्वती कंठावरण है, विद्या विनोद है, सिद्धांत संग्रह, ऐसे करके इनकी रचना है, तो रचनाएँ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। ये राजा भोज हो गए। राजा भोज के बाद आते हैं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। देखिए अब ये भी मध्य प्रदेश के कहीं ना कहीं संस्कृति और साहित्य और इतिहास से संबंधित है। अब सांची बहुत प्रसिद्ध शहर रहा है, क्यों प्रसिद्ध है? तो इसको एक तो प्राचीन काल में बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में इसको सोलर शहर के नाम से जाना जाता है ना, सोलर सिटी बोल सकते हैं। इसका कारण क्या है कि पहली मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है वो सांची को घोषित किया गया है, सांची को स्थापित किया गया है। तो जो प्राचीन काल है इसमें इसका नाम मिलता है काकणाम, काकणाम या काकणाबाद, काकणाबाद ये नाम मिलता है, ठीक है। अब अन्य नाम जो है हम उनका भी पता करते हैं, भाई अन्य नाम क्या है। तो बेस नगरी किससे है, क्या नाम है? विदिशा, बिल्कुल सही, राजा अशोक और महादेवी से संबंधित है, ठीक है। दसपुर, दसपुर किसे कहते थे? मंदसौर को, तो ये हो गए मंदसौर, ठीक है। अगला क्या है? वेत्रवती, वेत्रवती तो बेतवा नदी का नाम है, तो ये किसी जगह का नाम नहीं है, ये तो खुद बेतवा नदी का नाम है। तो अगर एलिमिनेशन करते तो हम बेतवा नदी को हटा देते बेत्रवती से, बेसनगर मतलब विदिशा को हटा देते, दसपुर मतलब मंदसौर को हटा देते, तो बचता हमारा काकनाद, है ना, और इसका नाम भी काकनाबाद है। अब सांची से और क्या याद रखना है? तो बौद्ध नगरी हो गई, सोलर सिटी हो गई हमारी, ठीक है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थापित किया गया है यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है 1989 में, है ना, ठीक है। तो आपको तीनों विश्व विरासत स्थल भी याद होने चाहिए मध्य प्रदेश के, है ना, खजुराहो है, सांची है और भीमबेटिका है ना। 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है सांची को। सोलर सिटी हो गया, बौद्ध नगरी हो गया, यहाँ पर क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है, बौद्ध स्तूप है सबसे बड़ा, ठीक है, बौद्ध स्तूप है। अब इस बौद्ध स्तूप में क्या है? तो बौद्ध स्तूप में जो महात्मा बुद्ध हैं उनके दो शिष्य कौन कौन? सारिपुत्र और महामोदगलायन, बिल्कुल सही, सारिपुत्र व महामोदगलायन, उन दोनों की जो है अस्थियां रखी हुई है, इस कारण से इसका महत्व बढ़ जाता है और इसी कारण से इसको बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है सांची, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची जिसे काकनाया, काकनावा या काकना बोटा, है ना, ये इस तरह के नाम है, ये पर्वत जो है वो बोटाश्री पर्वत है ना, बोटाश्री पर्वत के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व और धार्मिक स्थान है वाला एक धार्मिक स्थान है। सांची अपने स्तूपों, एक चट्टान पर बने अशोक स्तंभ, एक अशोक स्तंभ भी वहाँ पर स्थित है, कई बार वो स्तंभों के बारे में पूछता है जानकारी, तो ये भी पता होना चाहिए। मठों तथा तीसरी शताब्दी BC, अब चूंकि जो अशोक का शासनकाल है वो 3rd BC में है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो तीसरी शताब्दी जो BC चल रही थी वहाँ पर इनकी जानकारी मिलती है। इससे 12वीं शताब्दी AD के बीच में लिखे गए शिलालेखों से की संपदा के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो सांची चूंकि अपने जो ऐतिहासिक महत्व है या धार्मिक महत्व है उसके कारण जो जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? तो टांट्या भील बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, चूंकि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में शामिल है, इस कारण से इनका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। अब इन्हें क्या कहा जाता था? भारत के रॉबिनहुड। रॉबिनहुड क्यों कहते थे? ये क्या करते थे कि अंग्रेजों से जो पैसा है या जो बड़े जमींदार हैं, जो लूटखोर हैं, उनसे पैसा लूट कर ये गरीबों में बांट देते थे, उस कारण से इनको
मध्य प्रदेश के राबिन हुड या भारत के राबिन हुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चार नाम दिए गए थे, टांटिया, गणपत, बिजानिया और टंडरा। ठीक है, अब चूंकि कई जगह जो प्रोनाउंसिएशन है, जो अंग्रेज थे वो इनको तांतिया तांतिया कहते थे, तो उनका नाम एक तो टांटिया है, और जो कुछ किताबें हैं या फिर उनकी जो समाधि स्थल है वहाँ पर टंडरा एक नाम प्रसिद्ध होता है, क्योंकि टंडरा भी ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों ने इनको दिया होगा या उनके बारे में बोला होगा, तो ये दोनों जो नाम है वो हैं। तो अब चूंकि ये विवादित क्वेश्चन था तो आयोग ने इसके दोनों आंसर माने हैं, इसका आंसर ए भी माना है, डी भी माना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार टंटिया भील का वास्तविक नाम तांतिया था, है ना, ये वास्तविक नाम था जिसे अंग्रेज टंटिया कहते थे, लेकिन आयोग ने इसका नाम टंडरा और टंटिया मामा दोनों माना है। देश की आज़ादी के जननायक और आदिवासियों के हीरो टंटिया भील या टंटिया मामा इंडियन रॉबिनहुड, देखिए भारतीय रॉबिनहुड के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, आदि के नाम से पहचाने जाते थे। उनका जन्म तात्कालिक सोपी प्रांत पूर्व निमाड़ खंडवा जिले के बड़दा गाँव में हुआ था, पंधाना तहसील के बड़दा गाँव, देखो इस बड़दा गाँव में इनका जन्म हुआ था और 1942 में हुआ था। देखिए 1942 में इनका जन्म हुआ और 1842 में सॉरी और 1856 में, 1856 में मतलब लगभग 16 साल की एज में इन्होंने जो आंदोलन चल रहा था भारत की स्वतंत्रता के लिए उस आंदोलन में भाग दिया था, और लगभग 1888 में जाकर इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, पातालपानी, पातालपानी एक जगह है इंदौर जिले में आती है, वहाँ पर इनकी जो है समाधि स्थल कहाँ पर है, पातालपानी में। ठीक है, टांटिया मामा चूँकि मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए एक तो एक प्रमुख आदिवासी या जनजाति व्यक्तित्व हैं, क्रांतिकारी थे, इस कारण से भी इनका महत्व जो है बढ़ जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीत कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, है ना। अब वो पूछ रहा है कि भैया ये जो घटना हुई थी इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, चूँकि जब इतिहास थोड़ा सा डीपली जब पूछा जाता है तो वो इस तरह की बातें पूछने लगता है कि किस बुक से आया था या इस संदर्भ में कहाँ इसका वर्णन किया गया है। तो अब चूंकि मौर्य शासक हमें पता है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, उसके बाद आए थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। चूँकि जब बिंदुसार शासक थे तो उनके जो पुत्र अशोक थे, अशोक को क्या किया था, क्षेत्रपाल बना दिया था। क्षेत्रपाल कहाँ का, उज्जैनी का, उज्जैनी के क्षेत्रपाल थे। इनका कार्य क्या था, यहाँ पर जो भी अगर किसी प्रकार का विद्रोह हो रहा है उसको दबाने का काम था, या फिर यहाँ के जो क्षेत्र का शासन है उसको संभालने का काम अशोक के द्वारा किया जाता था। अब वो पूछ रहे थे कि उन्होंने इसको जीत कर राज्य में मिला लिया था, लेकिन इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। अब इसमें हम एक तो एलिमिनेशन मेथड से चल सकते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड से हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य कौन थे, तो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, है ना, या फिर इनके गुरु भी कह सकते हैं। तो कौटिल्य का शासनकाल जो है अधिकतर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तक था, और बिंदुसार के शासनकाल में लगभग ये समाप्त हो गए थे या फिर इनका हो गया था खत्म। तो इनके अर्थशास्त्र जो लिखी हुई है उसमें अधिकतर तो चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है, थोड़ा बहुत बिंदुसार के बारे में वर्णन किया गया है। अगले आते हैं महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि जो है वो भी लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के जो नवरत्न थे या उनमें जो शामिल थे उन्हीं के समय के विद्वान हैं। जो पतंजलि हैं, पतंजलि भी मौर्य साम्राज्य संबंधित नहीं है, पतंजलि संबंधित है पुष्यशृंग मित्र से, है ना, पुष्यशृंग मित्र जो हैं उनके शासनकाल से संबंधित हैं, चूंकि ये कालांतर के शासक थे पुष्यशृंग मित्र, तो इस ऑप्शन में ये भी नहीं जम रहा है। अब बस एक ही ऑप्शन रहा है कि बुद्ध घोष के समंत प्रदाशित प्रसादिका, है ना, तो इस बुक में जो है वो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य का जो है वर्णन मिला होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर तीन एलिमिनेशन हो गए हमारे, एलिमिनेट हो गए हैं, तो चौथा ऑप्शन ए बच रहा है, वो बुद्ध घोष का समंत प्रसादिका आ जाएगा, है ना। इसके बारे में देख लेते हैं इस बुक में क्या था क्या नहीं था। तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था, अपने पिता के शासन के दौरान वह तक्षशिला, है ना, तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल था। अवंतिका महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य के मिला लेने का उल्लेख बुद्ध घोष की रचना जो है समंत प्रसादिका में मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन मेथड से हम चले गए कि भैया कौन कौन से उसके शासनकाल में थे और कौन नहीं थे। तो हमें पता चला कि जो कौटिल्य थे और पाणिनि थे वो तो चंद्रगुप्त संबंधित हैं, पतंजलि जो है पुष्यशृंग मित्र संबंधित हैं, तो बच एक रहे थे, हमने वो ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, अगला आता है मध्य प्रदेश में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन तो पॉलिटी का है ना, लेकिन एमपी से रिलेटेड है, तो अब जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो भी एमपी को कनेक्ट करते हुए ही आते हैं। अब जो एमपी की विधायिका है, अब विधायिका में बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, विधायिका में क्या होना चाहिए, एक तो सब सीएम
एक तो उनके लगभग क्रम कौन से हैं, कौन कितनी बार है ना, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भैया सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा, या किसके शासनकाल में कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई उसके बारे में याद रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं वो कि भैया जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, है ना, मुख्यमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा विधायिका सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं राज्यपाल, है ना, तो राज्यपाल से लगातार 2-3 साल से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो राज्यपाल के नाम पूछ लेते हैं या राज्यपाल की कार्य व्यवस्था पूछ लेते हैं, राज्यपाल कहाँ के थे, किस राज्यपाल के साथ क्या हुआ था, तो ये राज्यपाल से संबंधित चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से राज्यपाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये जो बाकी लोग हैं ये कहीं ना कहीं के मुख्यमंत्री या कुछ ना कुछ व्यवस्थित व्यक्ति रहे होंगे, इस कारण से इसमें पूछा गया है। तो जो राम प्रकाश गुप्ता है ये यूपी के सीएम रहे थे, ठीक है, बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। जो राम नरेश यादव जी हैं ये भी यूपी के सीएम रहे थे, बाद में जाके मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। डॉक्टर बलराम जाखड़ ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, लोकसभा स्पीकर इनको बनाया गया था, है ना, तो ये लोकसभा स्पीकर रहे थे। अब बच रहे हैं शंकर दयाल, भगवत दयाल शर्मा, तो भगवत दयाल शर्मा जो थे ये थे हरियाणा के सीएम, ठीक है, हरियाणा के जो पहले सीएम बनाए गए थे यही बनाए गए थे, पंजाब हरियाणा को जब अलग किया गया था तो हरियाणा के पहले सीएम बने थे डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। अब भगवत दयाल शर्मा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 3 बार, सबसे ज़्यादा बार 3 बार मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल रहे हैं, है ना, तो इनसे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें और भी चीज़ें याद करनी चाहिए कि भैया कौन सा राज्यपाल अपने शासनकाल में जिसकी मृत्यु हुई थी, या फिर और कोई किसी और राज्य का राज्यपाल रहा हो फिर मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना हो, तो इस तरह की चीज़ें जो हमें याद करना पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इस बार उन्होंने पूछ लिया है कि कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, अगली बार हो सकता है वो पूछ ले कि इससे पहले ये जो हमारे राज्यपाल है वो कहाँ के राज्यपाल थे, जैसे आनंदीबाई पहले गुजरात की रहीं फिर मध्य प्रदेश में आईं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं ना, तो हमको इनके लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना पड़ेगा। राम प्रकाश गुप्ता जी एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, है ना, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म 28 जनवरी 1918 को हरियाणा के रोहतक जिले के बेरो में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मुरारी लाल शर्मा था, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं ना, तो ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया था। अपने कार्यकर्ताओं के बीच भगवत दयाल शर्मा जी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। बी डी शर्मा 23 सितंबर 1977 को उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए थे। देखो एक और व्यक्तित्व का नाम इसमें जोड़ दिया गया है, जैसे बी डी शर्मा जो था वो उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए थे, इसके बाद वो 1980 से 84 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, है ना, तो हो सकता है नेक्स्ट बार ये पूछ ले कि भैया जो बी डी शर्मा राज्यपाल थे वो मध्य प्रदेश के अलावा किस अन्य राज्य के राज्यपाल रहे हैं, उसमें ऑप्शन आ जाएगा तो उसमें अपने उड़ीसा लगाना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे, ठीक, नेता प्रतिपक्ष क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो नेता प्रतिपक्ष या इसको नेता विपक्ष भी बोला जाता है। अब चूंकि जो भी विधानसभा होती है उसमें बहुमत, जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है या जो भी गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है उसकी तो बन जाती है सरकार, तो जिसकी सरकार बन जाती है उसको तो बोलते हैं पक्ष, है ना, तो वो तो हो जाता पक्ष, लेकिन जिसकी सरकार नहीं बन जाती है उसको बिठाते हैं ये विपक्ष में, है ना, और विपक्ष में जो है एक नेता जो है उनको घोषित करना होता है, उसको बोलते हैं विपक्ष का नेता, है ना, विपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष का नेता, तो वो हर विधानसभा में भी होता है, इसी तरह लोकसभा या राज्यसभा में होता है। अगर अभी वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो लोकसभा में कौन है नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में बताएं, अधीर रंजन जी हैं ये लोकसभा में है प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, और राज्यसभा में कौन है खड़गे जी जो हैं वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है ना, तो आपको राज्यसभा और लोकसभा का भी पता होना चाहिए, ठीक है। और खड़गे जी अभी क्या हैं, तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी खड़गे जी हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है मध्य प्रदेश के अलावा वो अगर भारत से पूछना चाहे तो इस परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है, तो हमें दोनों के याद होना चाहिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्री कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, तो पहले तो हमने नेता प्रतिपक्ष समझ लिया है कि भैया जो विपक्ष की पार्टी रहेगी उसका प्रमुख नेता कौन होगा, तो अगर हम इस बार ऑप्शन देखें तो इन्होंने यूपीएससी पैटर्न फॉलो किया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से भी
कॉम्बिनेशन बना दिया है, 1-2, 2-3, 1-4, 2-4। तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा ये दोनों कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे, है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं लेकिन ये विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए 1 और 2 दोनों। तो इसका आंसर है केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन मिलाना रहता है कि अगर आपको पता है कि यार दिग्विजय सिंह नहीं रहे थे तो आपको हर ऑप्शन में देखना पड़ेगा दिग्विजय सिंह। तो आपने देखा कि 2 ऑप्शन में तो दिग्विजय सिंह है, है ना। अब उनके साथ कॉम्बिनेशन, तो 2 तो हट गए, बी और डी तो हट गए। फिर आपको अगले पे जाना है कि भैया 2 और 4 दे रखा है, तो 4 अगर आपको पता है कि श्यामचरण शुक्ल थे तो आप फिर इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, तो चौथा ऑप्शन ये बच जाएगा ए, तो दिग्विजय सिंह और मोतीलाल जी वोरा। ठीक है, तो अब चूंकि पॉलिटी का क्वेश्चन है, पूछ इस तरह से रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें पूरे सीएम भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। सीएम के साथ थोड़े विपक्ष के नेता भी याद होना चाहिए, या उप मुख्यमंत्री कई बार बना देते हैं डिप्टी सीएम, उनके बारे में भी याद होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। श्यामाचरण शुक्ल को 1969 से 1972, 1975 से 1977 और 1989 से 1990 तक, है ना, तो लगभग 3 बार तो ये सीएम रहे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा 1978 से 1980, मोतीलाल वोरा 1985 से 1988 और 1989 से 1989, ये भी 2 बार रहे हैं, कम समय के लिए रहे हैं लेकिन रहे। तथा दिग्विजय सिंह 1993 से 1998 और 1998 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनमें से 2, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल जी वोहरा, कभी भी मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं, जबकि वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी 1962 से 1967 तक और श्री श्यामचरण शुक्ल जी 1990 से 1992 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे हमें विपक्ष के नेता भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। ठीक है, अब पॉलिटी थोड़ी एडवांस लेवल पर पूछने लग गई है। ठीक है, अब वो बहुत सारी चीज़ें यूँ भी पूछते हैं कि क्या कार्रवाई रहती है विधानसभा की, क्या संसद की कार्रवाई रहती है, किस क्रम में रहती है, है ना, तो ये भी हमको कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। ठीक है, हम जरा जनरल कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं। निधन संबंधी उल्लेख है, राज्यपाल का अभिभाषण है, शपथ का प्रतिज्ञान है और मंत्रियों का परिचय है। तो जो भी संसद सत्र होता है या विधानसभा सत्र होता है, सबसे पहले अगर कोई सदस्य चुनकर जाता है तो विधानसभा में जाता है और सबसे पहले क्या लेता है, शपथ कि भैया मैं सदस्य हूँ और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा और भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करूँगा। तो सबसे पहले ली जाती है शपथ। शपथ के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल एड्रेस करता है पुरानी सरकार के कार्य को और नई सरकार के कार्य को, इनके अलावा इनके कर्तव्य को दिखाता है। तो अगला चीज़ क्या आ जाती है, अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक है, अभिभाषण के बाद होता है मंत्रियों का परिचय कि कौन व्यक्ति कौन सा मंत्री बन रहा है, तो अगला आ जाता है मंत्रियों का परिचय। और चौथा आ जाता है निधन संबंधी उल्लेख, है ना, जो ऑप्शन डी बच रहा है। अगर हमको ये भी पता है कि पहले शपथ ली जाती है तो हम ऑप्शन में पहला ऑप्शन 3 आना चाहिए, तो हम देख लेते हैं 1-3-2-1, तो 3 इसमें ही आ रहा है, तो बी हमारा सही हो गया, तीनों एलिमिनेट हो गए, है ना। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहले हमने लिया शपथ ले ली, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण हो गया, उसके बाद मंत्रियों का परिचय हो गया और उसके बाद आता है निधन संबंधी उल्लेख। ठीक है, तो ये उसकी जो विधानसभा है उसकी कार्रवाई है। अब और भी जो कार्रवाई होती है उसके बारे में पूरा बताया गया है कि सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, फिर मंत्रियों का परिचय होता है, फिर निधन संबंधी उल्लेख होता है, है ना। इसके बाद जो होते हैं प्रश्न उत्तर चालू होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं जो कम समय की सूचना के बाद दिए जाते हैं। सभा का कार्यकाल स्थगित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति ली जाती है कि भाई सभा का कार्यकाल स्थगित करना है या फिर यहीं से रेगुलर रखना है। विशेष अधिकार भंग करने वाले प्रश्न, है ना, किसी सांसद या किसी विधायक ने अपने जो विशेष अधिकार है उनका उल्लंघन किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई या उसके संबंध में अन्य कोई कार्रवाई करने का किया जाता है। नियम 267A के अधीन ऐसे मामले उठाना जो औचित्य प्रश्न के नहीं है, मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जो औचित्य नहीं है लेकिन चूंकि विधानसभा चल रही है तो चलना चाहिए। सभा के पटल पर रखे जाने वाले पत्र, इसके अलावा राज्यपाल को संदेश सुनाना। तो इस तरह की ये जो पूरी कार्रवाई होती है ये होती है 10 चरण में। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसने 4 चरण पूछे थे, हमने 4 बता दिए। ठीक है, अगले आते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, न्यायाधीश नहीं रहे, है ना। तो पहले क्वेश्चन का कोर तो यही है कि नहीं पूछ रहा है। दूसरा, अब जो न्यायपालिका है या न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका जो है उसमें से क्वेश्चन बन रहा है। अब हम क्या करते हैं कि भैया मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, हमारे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ लेते हैं,
और नहीं तो बाकी आगे नहीं पढ़ते। लेकिन अब चूंकि एडवांस लेवल पहुंच गया है, थोड़ा सा कंपटीशन टफ करने के लिए वो ये पूछने लग गया है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे या जो न्यायाधीश रहे थे वो कौन से हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके न्यायाधीश बने हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाके मुख्य न्यायाधीश बने हैं ना, और मुख्य न्यायाधीश ठीक है। तो होता यह है कि हमने क्या किया कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो बहुत कम व्यक्ति बने हैं, तो हमने इनको तो याद कर लिया, लेकिन अब वो न्यायाधीश भी पूछने लग गया है, तो अब थोड़ा सा एडवांस हमें बढ़ाना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चन जो है हमको याद करने पड़ेंगे। तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी हमें पता होना चाहिए, लगभग चार व्यक्ति ऐसे थे जो मध्य प्रदेश के न्यायाधीश थे और बाद में जाके वो मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। न्यायाधीश रहे थे हिदायतुल्ला, ये भी जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या बने थे, मुख्य न्यायाधीश। फिर एक बने थे भैया शरद अरविंद बोबड़े जी, हिदायतुल्लाह जी। इसके अलावा दो व्यक्ति और थे, श्री कृष्ण कुमार लाहौटी और जे एस वर्मा और श्री कृष्ण कुमार लाहौटी जी। ठीक है, तो ये चार व्यक्ति जो थे मध्य प्रदेश के न्यायाधीश रहे थे, मुख्य न्यायाधीश रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाके क्या बने, मुख्य न्यायाधीश बने। तो चूंकि ये चार ही हैं इसलिए ये याद तो करना इजी हो जाता है, लेकिन याद करना जरूरी है ना। अब जो कि क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के कोई न्यायाधीश जो कि जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश बने, तो उनके बारे में चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें छांटना है। अब चूंकि ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि अगर आपने पढ़ रखा है तो ही आप बना पाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं कि प्रश्न में दिए गए मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों में से न्यायमूर्ति एस के झा जो हैं, कौन है, एस के झा, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी न्यायाधीश नहीं रहे हैं, जबकि शेष तीनों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, है ना। तो जो एस के झा साहब हैं वो नहीं रहे, बाकी जो ए के पटनायक जी हैं, न्यायमूर्ति आर के रविचंद्रन जी हैं और न्यायमूर्ति ए के माथुर जी हैं, ये तीनों जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश रहे थे और जो एस के झा साहब है वो नहीं रहे थे, है ना। तो या तो ये रहा होगा कि एस के झा साहब हमारे यहाँ के तो थे और जब उनकी एज हो गई होगी 62 तो वो यहीं रिटायर हो गए होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच ही नहीं पाए, है ना। तो एक प्रक्रिया के थ्रू जाते हैं, उस प्रक्रिया में ये शामिल नहीं हो पाए होंगे। ठीक है, अगला आता है मध्य प्रदेश की न्याय नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्गत किया गया है। अब चूंकि नगर पालिकाओं की बात आ गई तो वापस बात होगी 74वें संविधान संशोधन की, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा है हमने संविधान में, भाग 9 का, है ना, और क्या जोड़ी है, दूसरी 12वीं अनुसूची जोड़ी है, जिसमें नगर पालिकाओं के कितने 18 कार्य बताए गए हैं। ठीक है, अब चूंकि 74वां संविधान संशोधन जो है वो 243 कहाँ से, ओ से लगाकर 243 जेड जी तक, है ना, यहाँ तक है, इसके प्रावधान यहाँ तक दिए गए हैं। उन प्रावधानों में ये पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो हमें जो ये प्रावधान है इनके मुख्य मुख्य जो है वो याद होना चाहिए, लगभग 243 टी जो है उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्याओं के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये ऑप्शन इंग्लिश में भी रहेंगे तो इंग्लिश में पहचानना ज़्यादा सही हो जाता है, क्योंकि ABCD जो है हम तुरंत याद कर लेते हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 243 न ए, है ना। अगर नहीं भी याद है तो ABC लिख के हम उसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तीन चार जो चीज़ें हैं जैसे 243 टी हुआ, 243 वाई हुआ जिसमें वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे, 243 जेड ए हुआ, है ना, जिसमें क्या है निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे, तो इस तरह के जो वो हैं वो हमको याद रखने ही होंगे। ठीक है, देख लेते हैं, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक तो नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 न में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें क्या बोला गया, प्रत्येक नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे, है ना, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसी प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य वही होगा जो उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों अथवा नगर पालिकाओं के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। सीधी बात वही है कि जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा।
ऐसे किसी स्थान की नगर पालिका भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम आवंटित किए जा सकेंगे, तो चक्रानुक्रम में उनको जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 243 टीम, ठीक है, अगर आप उसको देखें तो 243 ना आ जाएगा, ठीक, उसके वन क्लॉज में ये बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वन पाए जाते हैं। चूंकि एक विवादित क्वेश्चन है, लेकिन हमें सागौन के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लगभग 17.5% जो है सागौन के वन, या 17.8% जो है सागौन के वन पाए जाते हैं। अब चूंकि सबसे करीबी ऑप्शन जो है 17.8 के लगभग, वो मुझे लगता है 20 लग रहा है ना, इसके अलावा तो दूसरा जैसे 15 है तो हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि 15 के लगभग 16.54 तो हमारे पास क्या है, साल के वन है जो सेकंड हाईएस्ट है ना। सागौन फर्स्ट पे है, सेकंड हाईएस्ट सागौन है जो कि 16.54% पर है, और 17.8% के लगभग हमारे सागौन के वन है, तो ये है लगभग 20% के लगभग, तो इसका ऑप्शन जो है बी लगाना चाहिए। उसके बाद 25 और 30। अब चूंकि जो वनों की जनगणना है या वनों की जो गिनती होती है वो हर 2 साल में हो जाती है, तो 2 वर्षों में रिपीट होती है, तो हर बार कुछ ना कुछ सुधार आता जाता है, लेकिन जो इस परिदृश्य में क्वेश्चन माना गया था उसका उत्तर लगभग 20% माना गया था। अब सागौन और साल वन जो है तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इनके बारे में हमको याद भी होना चाहिए। इसका नाम क्या है, वनस्पति नाम टिक्टेना ग्रैंडिस है ना, टिक्टेना ग्रैंडिस इसका नाम है। और सबसे महत्वपूर्ण कहाँ पर पाए जाते हैं, या तो बोरी की घाटी है ना, बोरी की घाटी होशंगाबाद जो है वो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बोरी की घाटी। तो सागौन और साल के वन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे राजस्व में भी सहयोग करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब वन की बात कर रहे हैं तो हमें आरक्षित अनारक्षित और जो आरक्षित संरक्षित और अनारक्षित वन जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पर लगभग 65% आरक्षित वन है, संरक्षित वन है लगभग 33%, और 2 या 3% अनारक्षित वन है ना। तो इस तरह से जो हमारा वनों का प्रतिशत है ये क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है। अब वनों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो हमें वन भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। साल, सागौन, मिश्रित और बांस के वन, 4 तरह के वन हैं, उनके प्रतिशत किस तरह से हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, सागौन वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों जैसे होशंगाबाद में, तो हमने बता दिया बोरी घाटी, इसके अलावा और बता रहे हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर और पन्ना जिले में पाए जाते हैं। राज्य में कुल वनों के लगभग 19.36% पर है ना, भाग में सागौन के वनों का विस्तार है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष सागौन के हैं, तथा उसके बाद दूसरे स्थान पर साल के वृक्ष आते हैं, तो 16.54 है ना, ठीक है। अब 19.36, ये देखो होता क्या है कि अपडेट होते रहते हैं ये आंकड़े। जैसे अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर हमें लास्ट याद है 526, लेकिन अब 785 के लगभग हो गया है, तो ये आंकड़े अपडेट होते रहते हैं। तो कई बार आयोग या तो पिछले आंकड़ों के आधार पर क्वेश्चन बना देता है, लेकिन हमें नया याद है तो हमें लगभग 2 आंकड़े याद होना चाहिए है ना। जैसे अगर जनगणना भी आएगी, अगर 2021 में तो नहीं हुई, नेक्स्ट जो भी जनगणना होगी तो हमें कहीं ना कहीं कंपेरिजन 2011 से करना पड़ेगा, तो हमें 2011 की जनगणना बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उसके आधार पर हम 2021 या जो भी अगली नेक्स्ट आएगी उसकी हम जो है तुलना कर पाएंगे कि इस समय हमारा ये प्रतिशत इतना था, इतना बढ़ गया, इतना सुधार हुआ है, कितना बदलाव हुआ है ना। तो इस तरह से जो वनों का भी है, उसी प्रकार से जो वन रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कितने प्रतिशत वन क्षेत्र बढ़ा है, किस जिले का सबसे ज़्यादा बढ़ा है, कहाँ का घटा है ना, तो वो हमें याद करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से, विंध्याचल की पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से। हाँ, तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या आ जाएगा, विंध्याचल की पहाड़ियों से। अब चूंकि हमें पता होना चाहिए बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रायसेन जिले में है, कुमरा नामक गाँव में है ना, तो रायसेन जिला और कुमरा नामक गाँव। अब जो कुमरा नामक गांव है या रायसेन जिला है वहाँ पर कौन सी, विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, तो उद्गम स्थल विंध्याचल से ही हो रहा है, ठीक है। अरावली चूंकि अधिकतर राजस्थान मध्य प्रदेश में है, यहाँ से केवल एक नदी जो है उधर से हमारी जो माही और उसके आसपास की जो नदियाँ हैं वो आ रही हैं। सतपुड़ा से हमारी सतपुड़ा जो है यहाँ से तवा और इस तरह की नदियाँ हैं ये निकल रही हैं, जो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, और पश्चिमी घाट तो नीचे हो जाता है, तो हमारे यहाँ बच रही है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो विंध्याचल की पहाड़ियों से बेतवा नदी का उद्गम होता है, रायसेन के कुमरा नामक गाँव से होता है, ठीक है। अब बेतवा नदी पर इम्पोर्टेंट सब चीज़ें हमको याद होना चाहिए, इसका प्राचीन नाम क्या है, वेत्रवती इसका प्राचीन नाम है, कई बार पूछ लेते हैं। इसको क्या और बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश की गंगा, ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा भी बोलते हैं इसको। अब गंगा 2 परिदृश्य में बोला जाता है, एक तो शुद्धता के आधार पर या पवित्रता के आधार पर, दूसरा
गंदगी के आधार पर, क्योंकि जो मध्य भारत की गंगा है उसको गंदगी के आधार पर बोला जाता है और उसका ही मेल यहाँ पर किया गया है मध्य प्रदेश की गंगा, है ना। तो चूँकि गंदगी या फिर कह सकते हैं काला पानी, है ना, जो इसका तल है वो नहीं दिखता है। जैसे नर्मदा नदी का पानी कितना साफ है, उसमें तल दिखता है लेकिन इसमें नहीं दिखता है, इस कारण भी इसको इस तरह से संबोधित किया जाता है। इस पर कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं हमें याद होना चाहिए। माता टीला परियोजना है। इसके अलावा सम्राट अशोक परियोजना है। सम्राट अशोक परियोजना विदिशा और रायसेन जिले में है, है ना, जो कि हमारे यहाँ विदिशा और रायसेन में जो है सिंचाई का काम करती है। इसके अलावा माता टीला परियोजना है। तो इन परियोजनाओं के नाम भी हमें पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की अगर कोई संयुक्त परियोजना इस पर है वो भी हमें पता होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें काम देगा। अब चूंकि नदियाँ जो देखिए, एक क्वेश्चन नदियों से आ ही रहा है, एक वन से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भूगोल जो है उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और हम इससे क्या याद कर सकते हैं, तो बेतवा नदी के आसपास जो किनारे बसे हुए शहर हैं वो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ओरछा, चंदेरी, भोजपुर, विदिशा, है ना, ये प्रमुख शहर हैं। सांची, तो ये प्रमुख शहर है जो बेतवा नदी के किनारे पर हैं, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण शहर जो हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो किस में जाकर मिलती है, तो ये जो यमुना नदी है उसमें जाकर मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर में जाकर, है ना, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है, तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है ना। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सी यमुना में मिलती है, कौन सी गंगा में मिलती है। बेतवा नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहती है, जिसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर की जगह लगभग 590 किलोमीटर इसका सही उत्तर है, है ना, 590 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि कई जगह इसकी लंबाई ऊपर नीचे होती है, इस कारण से लगभग 590 किलोमीटर इसके आती है। इसका प्राचीन नाम भी हमें पता होना चाहिए, बेतरवती, है ना। अब इसके अलावा इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें और क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें बीना सागर, है ना। बीना सागर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सागर में जो इसकी सहायक नदी है बीना, है ना, इसकी दो तीन सहायक नदियाँ हैं, उसमें एक बीना सहायक नदी है, उसके किनारे आगा सोद एक जगह है जहाँ पर तेल रिफाइनिंग लगाई गई है, है ना, तेल रिफाइनरी लगाई गई है। और इस तेल रिफाइनरी का इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तमान में ये लगभग 49,000 करोड़ का बजट से इसको विकसित किया गया है, और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी किया था कुछ दिन पहले ही, इसलिए ये करंट में भी है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। एक तो तेल रिफाइनरी का संबंधित आगा सोद स्थान से आ सकता है, बीना में है ये जगह सागर में, या बेतवा नदी किनारे हैं, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा बीना है, धसान है, और जामिनी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। ठीक है, वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, सबसे पहले तो वार्षिक तापांतर का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वार्षिक तापांतर का अर्थ यह होता है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में वर्ष भर में, है ना, वर्ष भर का अगर औसत निकालें तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर भी वहीं पर होता है और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर भी वहीं पर होता है। तो वार्षिक तापांतर का अर्थ ये है कि अगर किसी क्षेत्र का औसत टेम्परेचर निकाला जाए, तो अगर औसत टेम्परेचर देखें तो किसी क्षेत्र में हाई वो भी है, और अगर कम टेम्परेचर की बात करें तो कम टेम्परेचर भी वहीं पर होता है। अब चूंकि जो मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि है, तो मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में बाकी सब जो भाग होता है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर आता है और लगभग मानसूनी जलवायु, लेकिन ये जो ग्रिड क्षेत्र है ये आता है महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत, है ना। इसकी जलवायु क्षेत्र क्या होती है, महाद्वीपीय, इसको चंबल बोलते हैं, चंबल बेल्ट या ग्रिड क्षेत्र भी होता है, है ना। जब जलवायु क्षेत्र में जाते हैं तो इसको ग्रिड क्षेत्र बोलते हैं, और अगर भौतिक भागों में देखेंगे तो इसको चंबल का मैदान कहते हैं, चंबल का जंगल कहते हैं, या मध्य भारत का पठार भी कहते हैं इसको। तो इस पठार में जो है जलवायु होती है महाद्वीपीय प्रकार की। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की विशेषता ये होती है कि गर्मी में अधिक गर्म और ठंड में अधिक ठंडी, या सर्द जिसको बोल सकते हैं। तो गर्म भी अधिक होती है और सर्द भी अधिक होती है, इसके कारण यहाँ जो तापांतर वो है वो बदल जाता है, या तापांतर जो है सबसे अधिक आता है। इस कारण जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा उत्तरी। अब चूंकि पूर्वी भाग में चले जाएँ तो पूर्वी भाग में ठंड तो बहुत पड़ती है लेकिन गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, ये जो निमाड का बेल्ट है या इस तरह का बेल्ट है। पश्चिमी भाग है, यहाँ भी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, है ना, ठंड कम है। तो जो उत्तरी क्षेत्र है यही एक आइडियल क्षेत्र मिलता है जहाँ पर वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग बीच में से गुजरती है, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीच में से गुजरती है, दो भागों में मध्य प्रदेश को बांट देती है। 28 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। अब सूर्य जो है 28 मार्च के बाद ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, अतः मध्य प्रदेश गर्म होने लगता है, ठीक है। मध्य सूर्य की किरणें लगभग 21 जून को जो कर्क रेखा है उसके लंबवत होने लग जाती है ना, तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर इस टाइम पर होता है। अब चूंकि उत्तरी भाग जो है और सूर्य भी उत्तरायण हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उस उत्तरी भाग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ने लगता है। अब लंबवत हो गई किरणें, तेज धूप से राज्य का तापमान बढ़ता जाता है, जिससे उत्तर पश्चिम भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र पड़े, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा और ये मानसूनी पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि जो वायु होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो जब निम्न वायुदाब मध्य प्रदेश में हो जाएगा तो जहाँ उच्च वायुदाब है जैसे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर है, वहाँ की जो हवाएं हैं अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसी कारण मानसूनी वर्षा जो होती है 25 जून के बाद जो है हमारे यहाँ होने लग जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश का औसत टेम्परेचर लगभग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है के मध्य रहता है। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, दूरी इत्यादि सम्मिलित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक दैनिक तापांतर मार्च माह में मिलता है ना, तो मार्च एक ऐसा महीना होता है दैनिक तापांतर का कि जहाँ दिन में बहुत तेज धूप पड़ती है ना, दिन में बहुत जोर से गर्मी लगती है और रात को देखें तो रात को कहीं ना कहीं कंबल भी ओढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये तापांतर होता है, मतलब रात में दिन में बहुत ज़्यादा और रात में बहुत कम, तो इसको बोलते हैं तापांतर। तो दैनिक तापांतर मार्च माह में, और अगर वार्षिक तापांतर की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, ठीक। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।